तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। आज मैं आपको सब कॉन्शियस माइंड के बारे में बताऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझो कि आप एक गार्डनर हो, आप एक प्लांट की सीड को बो रहे हो फुल डे। तो जो वो सीड्स है वो आपकी थॉट्स है। सो जो आप बीज डालोगे वैसे ही बन जाओगे। मीन्स यही चीज बनाती है आपकी हैबिट। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक प्रिंसिपल पर चलता है जिसका नाम है लॉ ऑफ बिलीव। मीन्स कि जो आपका बिलीव है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा लॉ ऑफ बिलीव इन योरसेल्फ। मीन्स आपको अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो 4-5 साल का होता है अप्रॉक्स। वो रोज़ स्कूल जाता है और टीचर उसे हमेशा परेशान करती है, क्योंकि मैं आपको बताना भूल गया, वो अबनॉर्मल होता है। तो एक दिन उस बच्चे की हरकतों की वजह से टीचर उससे बहुत गुस्सा होती है और वो उस लड़के को लेटर देती है और वो कहती है अपनी मम्मी को दे देना और अब कल से आने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वो बेबी बॉय रोते रोते मम्मी के पास जाता है और कहता है मम्मी ये लेटर दिया है टीचर ने और मुझे कल से आने के लिए भी मना कर दिया है। तो फिर उसकी मम्मी वो लेटर पढ़ती है और उसकी मम्मी के आंखों में आंसू आ जाता है। तो वो बेबी बॉय पूछता है कि मम्मी उस लेटर में क्या लिखा था। तो उसकी माँ अपने आंसुओं को छुपाते हुए उस लड़के को बताती है इस लेटर में ये लिखा है कि आपका लड़का बहुत होशियार है, इसे किसी हायर स्कूल में डालो और इसे अच्छे से पढ़ाओ क्योंकि हमारे स्कूल में इतनी फैसिलिटी नहीं है। ये सुन के वो लड़का थोड़ा खुश हो जाता है और ऐसे ही कई सालों बाद वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तो कई पुराने सालों बाद वो अपने उस पुराने घर में आता है और बहुत सारी धूल मूल सब कुछ साफ़ करके और वहाँ पे एक टैची होती है जो उसकी मम्मी के समय की टैची थी। तो वो उसे खोलता है तो उसमें वो देखता है कि वही पुराना लेटर है। तो वो बड़ा सोचता है, उसके बाद वो लेटर को खोल के पढ़ने लगता है। तो उस लेटर में लिखा होता है कि आपका लड़का बहुत ही बेवकूफ़ है, ये कभी भी सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकता, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते, इसे कल से हमारे स्कूल में मत भेजिएगा। ये चीज़ पढ़ के उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है काश अगर मेरी मम्मी ने मुझे उस समय पे होशियार या स्मार्ट नहीं बोला होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँचा होता। सो मॉरल ऑफ द स्टोरीज, अगर आप खुद के ऊपर बिलीव करोगे तो आप एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल आदमी बन ही जाओगे। सो आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, शुक्रिया। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।